विच इज ऑल अबाउट पुशिंग द लिमिट्स, लेट्स डू दिस। यार लेकिन शर्त ये है कि आपने 24 घंटे में करना है, नहीं होगा। होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इंसान के हाथ में कोशिश है, कामयाबी ना कामयाबी तो उस जात के हाथ में। इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा ये जानने के लिए कि क्या मैं इस गाड़ी को बाय द एंड ऑफ दिस व्लॉग टोटली ट्रांसफॉर्म कर पाता हूँ या नहीं। मैं सोच रहा हूँ पेंट करा लूँ इस रंग में। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, ऐसे मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हमें इन्फिनिक्स की तरफ से ये बॉक्स रिसीव हुआ है जिसके अंदर है नोट 30 VIP रेसिंग एडिशन। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन्फिनिक्स नोट 30 VIP का बॉक्स। इसके अंदर एक और डब्बा है, डब्बे में डब्बा, इसमें केक नहीं है, इसमें फोन है। और ये खूबसूरत कलर स्कीम, तीन कलर्स हैं, रेड ब्लू और ये वो वाला कलर जो मैंने गाड़ी पे किया था पहले, अगर आपको याद हो ये वो वाला कलर है। इंतहाई खूबसूरत कलर स्कीम है ये, और इससे आपको किस ब्रांड की याद आ रही है ये भी जरा सोचें आप। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें इन्फिनिक्स की तरफ से एक प्यारा सा नोट मिल जाता है जिसके ऊपर रेसिंग एडिशन और उसकी इन डेप्थ गुफ्तगु की गई है। तो हमारे पास यहाँ पे डब्बे के अंदर तीन और डब्बे हैं, डब्बे में डब्बा निकल आया है लेकिन डब्बे में आखिर में फोन निकल आएगा। इसके अंदर हमें एयरपॉड्स देखने को मिल जाते हैं, फुल जदीद दौर चल रहा है यहाँ पे, लुक एट दिस, एंड विद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर स्कीम, फुल रेसिंग वाइब दे रही है ये चीज। इसको हम कर देते हैं एक साइड पे, यहाँ पे पैक कर देते हैं। यहाँ पे हमें एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है, इसको भी यहाँ पे बॉक्स को बंद करके रख देते हैं। और अब आ जाते हैं हम फोन की तरफ, फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फोन के अंदर हमें दो डब्बे मिल जाते हैं, एक ये वाला बॉक्स है जिसके अंदर एक और वायरलेस चार्जर है, और यहाँ पे मेन चीज नोट 30 VIP रेसिंग एडिशन। ओए 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 यार कमाल, और माशाल्लाह हमारा और आपका फेवरेट कलर है इस फोन का, रेड कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी प्यारी फील है इसके अंदर। और इसके पीछे जो बैक पे हमें चार चार लेंस देखने को मिल जाते हैं, 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है। तो बैक डिजाइन बहुत खूबसूरत है, जो कि मतलब एक फोन को पकड़ते साथ ना एक वाइब आ रही है कि दिस फोन इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय BMW। और मजे की बात इसकी ये है कि इसकी बैक पे तीन ग्लोइंग लाइट्स हैं जो कि जब ग्लो करती है ना तो एक बड़ी पावरफुल वाइब आती है इस फोन से। तो दिस फोन कम्स अप विद 50 वॉट्स वायरलेस चार्जर जो कि बहुत कन्वीनियंट रहता है। आप घर पे अगर चार्ज करना चाह रहे हो जस्ती अपना फोन चार्ज कर लो, गाड़ी में अगर चार्ज करना चाह रहे हो गाड़ी में चार्ज कर लो, मतलब बड़ा कन्वीनियंट रहता है वायरलेस चार्जिंग बजाय इसके कि आप तार से ही इसको चार्ज करो। So basically this phone is designed by Designworks and Designworks is also part of BMW group और ये phone BMW inspired है। This mobile phone comes up with 256 GB of storage और 21 GB की RAM है इसके अंदर, तो खुद हिसाब लगा लो ये phone कितना तेज होगा। ये देखो ये क्या, ये क्या भाई जान, ये तो मुझे भी नहीं पता था भाई। ये क्या सीन है, हेलो ओ मेरा ये नीचे इन्होंने कोई हिडन बॉक्स रखा हुआ था यार, पूरी अनबॉक्सिंग कर ली थी मुझे नहीं था पता इसमें कीचेन है। माय BMW इज दिस, तो मेरी BMW करते हैं कुछ, क्या मतलब करते हैं कुछ, दे कीचेन तो दे ना, गाड़ी अलमिया दे देंगे, तेरी गाड़ी को BMW बनाते हैं, डन हो हैं भाई। पुश द लिमिट्स है ना, पुश द लिमिट्स, लेट्स पुश द लिमिट्स एंड मेक योर कार BMW। तो भाईजान हो गया फैसला, इसकी गाड़ी हम बनाने जा रहे हैं BMW, बड़ा एक्साइटिंग काम होने जा रहा है यार। लेकिन शर्त ये है कि आपने 24 घंटे में करना है। इट इज ऑल अबाउट पुशिंग द लिमिट्स, लेट्स डू दिस। नहीं होगा, अगर कर दिया तूने, अगर कर दिया जा सके अगर रोटी खिलाऊंगा, अगर तूने कर दिया 24 घंटे ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बॉयज हम लोग अभी आ चुके हैं खावर भाई की वर्कशॉप डायमंड ट्यून पे, आज उनसे कहते हैं यार फटाफट आज ही, क्योंकि आपको पता है वक्त का मुकाबला सख्त है, गाड़ी की जितने भी वो चीजें ठीक होने वाली ना वो एज सून एज पॉसिबल ठीक करा लें हम। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ठीक है। और भाई वो बस में ली सिविक नहीं है, वो करनी है जरा सेटमेंट करवानी है कोको। हाँ क्या सेटमेंट करवानी, गाड़ी ना रैप करवानी है, रैप के लिए जितनी भी तैयारी होती है ना बेस वो रेडी करनी है, कितनी देर में हो जाएगा? चाहिए बहुत जल्दी चाहिए, अर्जेंट अर्जेंट, उसने मुझे चैलेंज दिया आज ही करनी है गाड़ी। तो बॉयज हमने कोको जो है खावर भाई को दे दिया, खावर भाई ने हमें कहा है एक घंटे में आपको गाड़ी मिल जाएगी, बस इंतजार है कोको को रेडी होने का। अभी हम आए हैं रिजवान भाई के पास, रिजवान भाई से हमने डिस्कस करना है रैप के रिलेटेड, कौन सा करना है हमने, अब ये भी बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, रिजवान भाई आज हर हाल में एक गाड़ी रैप करनी है हमने, हो जाएगा कोको आज रैप कर दोगे और कितनी देर में करोगे ये बताओ। भी भाई सबसे मसला ये है कि आपको गलत पसंद आ जाएगा, गलत पसंद करने के लिए 6 से 7 दिन चाहिए।
मुझे कलर दिखाओ जो दुकान पे पड़े आ जाओ। कलर सिलेक्शन की टाइम आ गया। गाड़ी का कलर चेंज करना हो और आपका भाई कलर सिलेक्शन के मामले में आगे फंस ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये जर्नी आपसे शेयर करने का मकसद भी यही है कि कलर सिलेक्शन में थोड़ी सी सर खपा लेना चाहिए, बाद में बंदा रिग्रेट नहीं करता। इसीलिए हमने बड़ी मुश्किल से एक रंग ढूंढा जो कि लकीली रिजवान भाई के पास पड़ा था और मुझे तो वो बहुत कमाल। तो ब्लैक है? नहीं भाई, ये तो ब्लैक है। हाँ तो नहीं है, ये देखें। ओए 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 ओए, लालो पूरी लालो, इधर ब्राउन ब्राउन हो गया। चलो यार रिजवान भाई, हम गाड़ी लेके आते हैं, आप तैयारी पकड़ो, बॉयज को रेडी करो, बॉयज को रेडी करो। सिर्फ पानी वॉश ना करवाऊं? सिर्फ पानी मंगवा के ना कपड़ा अच्छी तरह से मंगवा लो, अंदर से नहीं करना। टायर छोड़ दे अभी जी, बाहर से सिर्फ अच्छी तरह वॉश करनी है। कितनी देर? अभी कर देते हैं वॉश फटाफट, 5 मिनट में। चल लगा। इसके अलावा एक ये पीस डालना है, ये पीस डाल दो भाई जान। बैक लाइट्स के कवर जो है ना, मैं सोच रहा हूँ चेंज करवा लें, बैक लाइट्स बहुत खस्ता हालत में। बॉस रिबॉन की पिछली लाइटों के कवर चारों कवर नहीं आते, हाँ जो डिग्गी वाली होती हैं वो नहीं आती, तो बाहर वाली कितने की हैं? दोनों 2000 का एक है। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो बॉयज फाइनल इन लाइट्स का ये हुआ है, ये जो ये दो बाहर वाली राइट और लेफ्ट वाली बाहर वाली है ना, जो फेंडर के ऊपर लगती हैं, इन दोनों के कवर्स मिल जाते हैं। जो ट्रंक के ऊपर लगती हैं ये पूरी एज इट इज़ लाइट्स नहीं लेनी पड़ती हैं। ये दोनों लाइट्स साफ़ सुथरी हैं, ठीक है, इनको मजीद हम साफ़ और बफ करवाएंगे, पॉलिश करवाएंगे। और ये दो जो लाइट्स हैं इनको हमें रिस्टोर करना पड़ेगा क्योंकि इनकी बहुत हालत ख़राब है। यहाँ से भी कवर टूटा हुआ है, ये कवर, ये देखो ज़रा बासिम साहब के काम चेक करो, गाड़ी का तो निस्त मारा हुआ है और इनको BMW चाहिए। क्योंकि अब हम इस गाड़ी को BMW से इंस्पायर होकर तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एक M सीरीज और एक स्टैंडर्ड BMW में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, सिवाय चंद चीज़ों के। M cars are designed to be very good in a lot of things, including speed, handling and looks. तो अभी looks पे focus करते हुए इसे एक sporty vibe देने की कोशिश करेंगे। भाई आज जितनी रेड गाड़ियां मैंने देख ली है ना भाई, एंड ही हो गया। आगे जो स्विफ्ट जा रही है वो भी रेड है, स्विफ्ट भी रेड है, ये प्राडो भी रेड है। ओ भाई हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये भी रेड हो रही है। This is a brand new logo for Coco. इस लोगो को हमने करना है ब्लैक, बाकी लोगोज हम नहीं लगाएंगे, सिविक वगैरह वाले वो बहुत एक्स्ट्रा लगता है, इसको हमने ब्लैक करना है। लेकिन उससे पहले इसको सैंड पेपर से अच्छी तरह इसको सैंडिंग करेंगे इसकी, और इसके बाद इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। मैच हो रही है ना? हाँ। तो बॉयज इस वक्त हम आ चुके हैं मैकडॉनल्ड्स पे कुछ खाना पीना करने, भूख बहुत सख्त लगी है और धूप जो है वो ऐसे तरोंटे मार रही है। ओए ओए ओए, धूप बहुत, ये देखो फिर रेड कलर, यार आज रेड ने तो अन्नी बचा दी है। किधर गया ये? गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है वो, देख। ओए मार मार मार, ओए ओ गया, मार इसको, गया। तो बॉयज वी आर बैक और माशाल्लाह माशाल्लाह बम्पर्स वगैरह सारे हो गए हैं। ओए हो यार कसम दूर से लालो ही लग रही है, डिट्टो लालो से थोड़ा सा डार्क कह लें, लेकिन लग लालो ही रही है। भाई लोग गाड़ी पे काम से हम जा रही है और अभी जो मेन टेंशन थी ना रिम टायर की, वो हमने हल कर ली है बड़ी मुश्किल से, बहुत अजाब के बाद, बहुत सारे भाइयों की मदद के बाद ये बॉयज़ को हमने भेजा है। बॉयज़ जा रहे हैं रिम टायर लेके आ रहे हैं, हमने इस गाड़ी के रिम टायर पे चेंज करने हैं और फिर आपको फाइनल लुक दिखानी है। फाइनली गाइस फाइनली, अभी एक चीज़ आती है, लास्ट चीज़, रिम टायर्स।
उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं गाड़ी की। एक दिन में बड़ा कुछ करने का ठाना था और एनर्जी लेवल जो है ना फुल खत्म हो चुका है। टू आउट ऑफ थ्री आपने कर लिया, एक चीज रह गई है रिम टायर। रिम टायर लगाने की कोशिश की है हमने तो वो नट जो थे वो हमारे पास ही नहीं थे। भाई आ जाओ, बड़ी मेहरबानी यार भाई, आपकी वजह से रिम टायर रुका हुआ है और टाइम भी कम है हमारे पास, मजे की बात ही है। बॉयज रह गए हैं इसके नट्स मंगवा लिए हम लोगों ने, दोस्त आ रहे हैं लेके। नट जैसे ही आते हैं रिम टायर इंतजार में ही है कि गाड़ी में कब फिट होंगे। लग भी नहीं रहा है, पेंट लग रहा है कहीं कहीं से, पेंट लग रहा है। मैं इसी वजह से तो पीछे होके देख रहा था कि पेंट तो लग रहा है। अच्छी फिनिश है, मजा आया। ये मेरी गाड़ी है। मैंने सुबह 10 बजे ये व्लॉग स्टार्ट किया था, इस वक्त 10 बज रहे हैं। एग्जैक्टली 12 घंटे बाद हमने गाड़ी की टोटली लुक बदल दी है। 12 घंटे पहले कुछ इस तरह दिख रही थी और 12 घंटे बाद क्या दिख रही है यार बॉस, क्या लग रही है, है? मैं सोच रहा हूँ मैं पेंट करा लूँ इस रंग में। बॉयज इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। All right.